जैसे कि दोस्तों टोयोटा की फ्यूचर एसयूवी कार होने जा रही है भारतीय बाजार में लॉन्च, तो चलिए जानते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। तो दोस्तों टोयोटा की नई डायमंड डिजाइन वाली एसयूवी सीएचआर इन दिनों मार्केट में खूब धूम मचा रही है। ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा इस कार को भारतीय बाजार में अब हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे ग्राहक दोस्तों नई नई कारों को खरीदना अब पसंद कर रहे हैं, जो कि कॉम्पैक्ट सेडान एसयूवी कारें हो रही है। सीएचआर कॉन्सेप्ट को टोयोटा ने पहली बार पेरिस मोटर शो 2014 में हम सभी के लिए पेश किया था और 2015 में उसने पेरिस में ही इस कार को लॉन्च कर दिया था। इसके अंदर दोस्तों आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि 114 bhp की पावर और 185 का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इस कार को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च करने का फैसला कंपनी ने कर लिया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कार बाहर से जितनी अलग और शानदार दिखती है, इसका कैबिन भी उतना ही खास और लग्जरी है। ये टोयोटा की अब तक की आई सभी कारों में से सबसे स्टाइलिश और स्पोर्टी कार होने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि सीएचआर का सेंट्रल कंसोल ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। डैशबोर्ड पर आपको इलेक्ट्रिक व्यू लाइन देखने को मिलती है, जो कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाती है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर पियानो ब्लैक पैनल भी देखने को आपको मिले। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि टोयोटा अपनी सीएचआर को भारतीय बाजार में अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च करने वाली है, और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि भारतीय बाजार में इस कार को हम सभी के लिए तीन वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि तीनों ही वेरिएंट पेट्रोल वेरिएंट होंगे, जिसमें आपको पहला 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज ऑप्शन और दूसरा 2.0 लीटर का आपको हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.8 लीटर का आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इन इंजन से आपको अधिकतम 122 पीएस तक की पावर जनरेट कर पाने में क्षमता रखेंगे। अगर माइलेज की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में ये कार पूरे 32 kmpl का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगी, ये कंपनी का दावा है। इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन आपको 115 psp तक की ताकत और 185 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। वहीं इसके दूसरे वेरियंट यानी 2.0 लीटर का इंजन की बात की जाए, वो आपको 150 psp तक की पावर और 193 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। अगर बात करें तीसरे वेरिएंट की, जो कि भारतीय बाजार में हम सभी के लिए काफ़ी लो रेंज में उतारा जाएगा, उसको 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा और 115 bhp तक की पावर और 185 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। दोस्तों अगर कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में टोयोटा अपनी सीएचआर को स्टार्टिंग कीमत यानी 4.20 लाख में हम सभी के लिए लॉन्च कर सकती है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक 5.70 लाख इसकी लास्ट कीमत होने वाली है। भारतीय बाजार में दोस्तों इस कार को लॉन्च होते ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि यह दिखने में भी स्टाइलिश है और अंदर एडवांस फीचर्स के साथ आपको नया लुक का कैबिन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको स्पोर्टी फील करवाने वाला है। तो अपनी राय दोस्तों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोयोटा की नई अपकमिंग सीएचआर कैसी लगी, जो कि हम सभी के लिए अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आप